हेलो गाइज, वेलकम बैक टू साइबर किंग। और मैं फिर से आ गया हूँ लेके टॉप 3 MIUI 12 सपोर्टेड थीम्स। और ये जो थीम्स हैं काफ़ी यूनिक लुक के साथ आते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आपका फ़ोन का जो स्टाइल है बिल्कुल चेंज कर देता है। तो अगर आपको ये थीम्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इंट्रो दिखाते हैं आपको सबसे पहले, उसके बाद से मैं आपको टॉप 3 लिस्ट दिखाऊंगा। सो गाइस, पहला हमारा जो थीम है उसका नाम है न्यू वर्जन V11 और ये थीम MIUI 12 को सपोर्ट करता है। तो चलिए इस थीम को मैं अप्लाई कर देता हूँ। अगर अप्लाई करते समय आपको एरर आए कि ये कंपैटिबल नहीं है तो आपको फिर भी इसको अप्लाई कर लेना है क्योंकि ये थीम आप में सपोर्ट करेगा ज़रूर से। तो आइकन्स आपको कुछ एस्क्यूमॉर्फिक डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद से अगर मैं कंट्रोल सेंटर दिखाऊं तो कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद से अगर मैं आपको डायलर पैड दिखाऊं तो डायलर पैड आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है, लेकिन सबसे अच्छा इसको आपको सेटिंग में भी कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसका जो लॉक स्क्रीन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले लॉक स्क्रीन पे आपको ये विजिट देखने को मिल जाता है। उसके बाद से अगर मैं इसमें चार्ज ब्लॉक करता हूँ तो कुछ इस तरह का आपका चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी यूनिक सा इसका चार्जिंग एनिमेशन है और देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। तो अगर आपको ये थीम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद से यहाँ पर नीचे आपको सेटिंग का बटन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करने पर आप इसके कुछ सेटिंग में आ जाते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं जिसको आप इनेबल डिसेबल करके आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट थीम के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट थीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अगला जो थीम है उसका नाम है जेन लुअर लाइन UI और ये एक थर्ड पार्टी थीम है, लेकिन रिसेंटली गुड डेज में आपको हो सकता है कि ये थीम स्टोर पर देखने को मिल जाए, लेकिन मैं थोड़ा पहले बता रहा हूँ अभी थीम स्टोर पर इसको अप्रूवल नहीं मिला। तो चलिए इस थीम के फीचर्स में दिखा देता हूँ। थीम मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया और लॉक स्क्रीन में कुछ आपको कुछ इस तरह का आइकन पैक देखने को मिल जाता है जो काफ़ी कूल लगता है, एकदम छोटा छोटा सा आइकन पेस स्मॉल साइज में है जो कि काफ़ी परफेक्टली बैकग्राउंड के साथ आपको देखने को लगता है। ऊपर में आपको एक सिंपल सा क्लोक विजिट देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसका जो फॉन्ट है वो चेंज है। उसके बाद से अगर मैं आपको दिखाऊं कंट्रोल सेंटर में कुछ आपको इस तरह का चेंजेस देखने को मिल जाता है और ये कुछ आपको ब्राइटनेस स्लाइडर इस तरह का देखने को मिलता है। तो इसका कंट्रोल सेंटर आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो आप ज़रूर से ये थीम अप्लाई करके अपने फ़ोन में ट्राई करें क्योंकि ये थीम बहुत ही गजब का है। उसके बाद से अगर नोटिफिकेशन पैनल में आपको दिखाऊं तो नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। उसके बाद से अगर ये थीम डार्क सपोर्ट के भी साथ आता है तो जैसे ही मैं इसको डार्क मोड में लेकर जाता हूँ तो कुछ इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं लॉक स्क्रीन पर लेकर आऊँ तो लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह का चेंजेस देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है इस थीम में। तो मैं चार्जिंग एनिमेशन सबसे पहले दिखा देता हूँ। प्लग करता हूँ चार्जिंग और ये हट जाए थोड़ा, नहीं तो क्लिक करने पर वो भी चार्जिंग एनिमेशन हट जाता है। सो गाइज, देर इज़ अ बग इन द थीम। अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शो करेगा तो ये चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। तो मैंने नोटिफिकेशन सारे हटा दिए, फिर मैं आपको चार्जिंग एनिमेशन दिखा दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का आपको चार्जिंग एनिमेशन इसमें देखने को मिल जाता है और नीचे कैमरा का आपको आइकन देखने को मिलता है। और उसके बाद से अगर मैं
साइड में स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी मैच करता है आपके जो बैकग्राउंड इमेज है उसके साथ। उसके बाद से आपको यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप देख पा रहे हो तो आप यहाँ से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। तो पता नहीं कौन सा सॉन्ग बज रहा है। तो चलिए नेक्स्ट थीम के बारे में बता देता हूँ। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा आपको कि ये जो थीम है ये थर्ड पार्टी थीम है, मैं पहले ही बताया था आपको। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जो लिंक मिलेगा उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस थीम को। चलिए नेक्स्ट थीम के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट जो थीम है उसका नाम है नेचर, और ये थीम 9.8 MB की है और डिज़ाइनर का नाम रफेल है। और थीम को मैं अप्लाई कर देता हूँ सबसे पहले, और कैमरा को फोकस भी कर देता हूँ मैं। तो थीम अप्लाई हो चुका है और होम स्क्रीन में कुछ इस तरह का आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है, एकदम इलस्ट्रेटर वाला वॉलपेपर है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, देख पा रहे होंगे। आइकन पैक आपको राउंड शेप में देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इस थीम के जो लुक है उसके साथ। ऊपर में आपको जो ये विजिट देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो रेड टेक्सचर है वो मतलब कम्प्लीटली डिज़ाइन को नेक्स्ट लेवल तक आपको लेकर जाता है। उसके पास अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो डार्क मोड ही सपोर्ट नहीं करता है ये थीम, तो मैं डार्क मोड पहले हटा देता हूँ। और आपको लाइट मोड में इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइज का भी कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद से अगर मैं नोटिफिकेशन पैनल की बात करें, नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। उसके बाद से आपको डायलर पैड कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, और लॉक स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह का चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और साइड में स्लाइड करने के बाद आपको कुछ शॉर्टकट्स भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थीम्स में देखने को मिल गए, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। तो अगर आपको ये सारे थीम्स पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।